wire. Fire. On this side. ये डिसार्म है, अगर मुझे हिट करना है मैं हिट के बाद ही डिसार्म करूंगा। मैंने क्या किया दोनों, तो मेरा जो अभी मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये हाथ बचाना है। नहीं अभी मत करो, अभी मत करो, इधर देखो देखो एंगल वन, वो जो दूसरा वाला है वो आएगा ही नहीं। बताओ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हाथ तो ब्रेक हो चुका है। आदमी का अगर एक बॉडी पार्ट में अगर तुमने हिट कर दिया है बाकी बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दे। अब वो उसका क्वेश्चन है कि जो दूसरा डंडा है जैसे वो आया ठीक है, वो दूसरा यूज करेगा ही नहीं क्योंकि उसके हाथ में जो हाथ में पड़ता है दूसरा आदमी नहीं। और वैसे भी हम एंट्री कहाँ से लेते हैं, देखो करो मतलब दिस साइड। अब मैं कहाँ हूँ? इस साइड हूँ। उसके हाथ में लग गई है, ऑन दिस साइड, इस साइड हो। अब उसके बाद मैंने पुश किया और जो मैं हिट कर रहा हूँ तो मैं हिट ऐसे नहीं कर रहा हूँ, वन एंड टू, मैं हिट कर रहा हूँ, कोई ऐसे थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसे वन एंड टू एंड थ्री मैं हिट कर रहा हूँ। कैसे आया आया और दिस साइड मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ब्रेक और अब यहाँ के बाद पुश। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 160 कर रहे हैं, इसको हम 10 मिनट और प्रैक्टिस करेंगे तो हम थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हो, थोड़ा सा तेज नहीं, थोड़ा फास्ट नहीं करना है। हमें क्या
आइज, तो हमारा हाथ कैसा रहना चाहिए? ऊपर, ओके। और इन केस वहां से कोई भी पंच आता है, पंच एक बार अपने बाएं हाथ से, कौन से हाथ से? बाएं हाथ से उसका दायां कंधा छूओगे, ओके। जैसे मैं टच कर रहा हूँ, देखो, वन टच किया और वो अपना जो कंधा है उसे हल्का सा बचाएगा बाहर की तरफ को, ओके। बहुत ज्यादा रीच नहीं करना है, बस खाली इतना टच करना है, अपना पैर नीचे टच होना चाहिए। तो वन, अब मैं इधर जाऊंगा, वो टच करेगा, बचाऊंगा। टू, थ्री, समझ में आ गया? सिंपल एक्सरसाइज, डू इट। और सेट, यस, मतलब अगर कोई पावरफुल शॉट मारे तो टच हो जाए हाथ, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है, ओके। और अभी हाथ पीछे कर लो, हाथों की पोजीशन एक बार देख लो, सारे हाथों की पोजीशन इस तरह से रखेंगे, ओपन पोजीशन, फिंगर ओपन, यहाँ में रखेंगे सेंटर में, जस्ट से ठीक बीच में, ओके, रेडी, रेडी में आ जाओ, ये पैर आगे करवाओ इसका, देखो आगे, सेवन, एट, टच, सिर्फ टच करना है, हटाना नहीं है, पुश नहीं करना है, सिर्फ टच करना है, ऑलराइट, सिर्फ टच करो, चलो, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, चलो यहीं पे खड़ा रहो, इनका देख, इन तीनों को देख, यहाँ मैं देखता हूँ, इनका सबको मैं देखता हूँ। अब सारे, अब तुम लोग भी खुद से काउंट करोगे मेरे साथ, ठीक है, ओके, चलो बोलो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, पहले समझ लो, ठीक है, ऐसे देख लेना, जहाँ पे हो वहीं पे खड़े रहो, जैसे ये मुझे टच कर रहे हैं, देखो कैसे, वन, ये हाथ यहीं पे रखना, जो दूसरा है वो यहीं पे रखेगा, एंड टू, दूसरा नीचे से क्या करेंगे, टू, ध्यान दो इधर, इधर देखो, इधर, टू नीचे से, ओके, एंड थ्री हम टैप करेंगे, ओके, और हाथ दूसरा यहीं पे रखेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई हाथ रखता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे हाथ रखेगा, बट ये फास्ट हो जाता है, जैसे बॉल बंद करो, टू एंड थ्री हो चुका है, ऑलराइट, मैं कर क्या रहा हूँ, देखो, वन एंड टू एंड थ्री कर रहा हूँ, बट जब तुम इसे बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, ओह दिस इज ओके, तो ये थ्री अपने आप बन जाएगा, लेकिन क्या करनी पड़ती है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हम कर रहे हैं, देखो, पांच, वन एंड टू एंड थ्री, छोटा सा टैप कर लोगे, छोटा सा टैप कर लोगे, जैसे वो आया आया मतलब दिस साइड, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, आई ब्रेक, और अब यहाँ के बाद पुश, वन, ये हम टच कर ही रहे हैं, नीचे से हाथ जाएगा, एंड थ्री, वन टू थ्री, ओके, चलो अब सारे लोग करेंगे, दो बैच यहाँ पे हैं, दो बैच, अब ये जो मोशन है इसे किसी भी एंगल में क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, जैसे एंगल वन दो, यहाँ पे है दिस साइड, आई एम गोइंग दिस साइड, ओके, एंगल टू इस साइड, हिट करते हो, एंगल थर्ड, दिस साइड टैप किया, होल्ड, दिस साइड, फाइव, टैप किया, होल्ड कर लिया, ब्रेक, या जो भी तुम्हें कर, यहाँ अगर मुझे हिट करना है तो मैं हिट के बाद ही डिसआर्म करूंगा, देखो आजा, दिस इज, मैंने क्या किया, दोनों, तो मेरा जो अभी मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये हाथ बचाना है, नहीं अभी मत करो, अभी मत करो, इधर देखो, देखो एंगल वन, वो जो दूसरा वाला है वो आएगा ही नहीं, बताओ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हाथ तो ब्रेक हो चुका है, आदमी का अगर एक बॉडी पार्ट में अगर तुमने हिट कर दिया है, बाकी बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दे, ओके, एग्जाम्पल देखना, ठीक है, तो देखो
अब वो उसका क्वेश्चन है कि जो दूसरा डंडा है जैसे वो आया ठीक है, ये वो दूसरा यूज करेगा ही नहीं क्योंकि उसके हाथ में पड़ता है। लेते हैं देखो करो मतलब दिस साइड, अब मैं कहाँ हूँ, इस साइड हूँ, उसके हाथ में लग गई है, आई एम दिस साइड, दिस साइड ऑफ ब्रेक सेकंड। अब उसके बाद मैंने पुश किया और जब मैं हिट कर रहा हूँ तो मैं हिट ऐसे नहीं कर रहा हूँ वन एंड टू, मैं हिट कर रहा हूँ यहाँ पहुंच चुका हूँ, आई ब्रेक और अब यहाँ के बाद पुश, दिस इज गॉट द पॉइंट, समझ में आया। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हेवन सिक्स सीख रहे हैं, इसको हम 10 मिनट और प्रैक्टिस करेंगे तो हम आज के लिए क्लोज करेंगे। फाइनल कंट्रोलिंग पोजीशन है, अगर हम इससे ऊपर खींचते हैं ब्रेक हो जाएगा, दूसरे आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सरेंडर के अलावा। ओके वहाँ पे हम रजिस्ट नहीं कर सकते, मतलब फाइट बैक नहीं कर सकते, जो लेटा हुआ और इसका दूसरा पैर मेरे पैर से दबाओ वहाँ साइड हाथ से हमें क्या करना है, यस डाउन, यस इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।